दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज़। पुपरी न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर के रानी सती पेट्रोल पंप पे और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे पुपरी लाइब्रेरी। जी हां, बड़े बड़े शहरों की तरह इस छोटे शहर में भी अब यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है। मैं आपको बता दूं कि रानी सती पेट्रोल पंप से के पास आप आएंगे तो हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ज़रा वो इधर का नज़ारा दिखाएं। आप सामने देख सकते हैं कि लाइफलाइन हॉस्पिटल है और वहीं से एक रास्ता यहाँ के लिए आई है और ये देख सकते हैं कि पुपरी लाइब्रेरी का उद्घाटन अब से थोड़ी देर बाद शहर के सभापति जी करने वाले हैं। तो आइए हम सीधे लिए चलते हैं, बात करेंगे सभापति जी से और हम बात करेंगे पुपरी लाइब्रेरी के जो संचालक है उनसे। हम जानेंगे कि यहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है। वैसे जो मिल रही जानकारी है उसके मुताबिक यहाँ पे फुल एसी लाइब्रेरी बनाया गया है, लॉकर की सुविधा रखी गई है ताकि जो छात्र अन्य जगहों पे जाकर पढ़ाई करते हैं उन्हें भी एक अच्छा इन्वायरमेंट यहाँ पे मिले और वो अपनी तैयारी कर सके। जी हाँ, तो एक बार आप यहाँ पे आएँ, स्क्रीन पे हमने नंबर भी दे रखा है, आप उस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं और बात करते हैं सभापति ब्रजेश कुमार जालान और यहाँ के संचालक। अभी अभी आपने पुपरी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यहाँ आके बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि मैं कहाँ आ गया, क्योंकि जब इन्होंने नंदकिशोर जी ने, सुमित जी ने, मनीष जी ने, ओम प्रकाश जी ने जब मुझसे संपर्क किया था कि मैं एक लाइब्रेरी खोल रहा हूँ, तो बड़े ही मैंने साधारण तरीके से इसे लिया कि चलिए पुपरी है, पुपरी में जैसा है वैसा लाइब्रेरी होगा। जब मैं यहाँ आया तो ये मेरे सोच से बहुत परे की चीज़ है, इतनी सुंदर व्यवस्था, वातानुकूलित लाइब्रेरी, इतनी अच्छी व्यवस्था, लॉकर की व्यवस्था और सीसी कैमरा युक्त और इतने बच्चों के साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपने को बहुत ही धन्य पा रहा हूँ कि इतने बड़े चीज़ का एक मामूली तुच्छ एक सभापति से इन्होंने उद्घाटन कराया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे उद्घाटन करने का मौका दिया और मैं इसके साथ ही इनके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ओम प्रकाश जी को, सुमित जी को, मनीष जी को, सबों को बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में मैं कामना करता हूँ कि मेरे लायक कभी कोई सब्जेक्ट आवे तो आप बेहिचक मुझसे संपर्क करिए, तन मन धन हर चीज़ से हम आपके साथ होंगे। धन्यवाद। सुमित जी, पुपरी जैसे छोटी जगह पे आपने इतना बड़ा काम किया है, पुपरी लाइब्रेरी के नाम से जो आपने यहाँ पे अभी अभी सभापति महोदय जी ने इसका उद्घाटन किया है, तो ये विचार आपके मन में कैसे और कहाँ से आया? जी, मेरा नानी का गांव यहाँ ही है और मैं यहाँ से, मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि बिना किसी सुविधा के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आए, बहुत अच्छे पढ़ाई करते हैं, तो मैंने सोचा कि अगर उन लोगों को अगर ये सुविधा मिल जाए बहुत मिनिमम फीस में तो बहुत आगे जा सकते हैं और हम लोगों का भी कुछ हो जाए, एक रोज़गार मिल जाए, तो इसी पर्पज़ से हम लोग यहाँ आए हैं और अगर सभी का सहयोग रहा तो मैं इसको और बहुत आगे लेके जाऊंगा। सर, आपसे एक सवाल हम जानना चाहेंगे। जी जी, कि हम लोग दोनों एक ही गोत्र के हैं। जी जी, मतलब गोत्र हम अभी बताएंगे कि आपने नानी के ही गांव को क्यों चुना, दादी के गांव को क्यों नहीं चुना? जी, एक्चुअली मेरे दादी के गांव में सब सुविधा लगभग है जी, और मेरा घर एक्चुअली दरभंगा से जस्ट बगल में है तो वहाँ बहुत सारे लाइब्रेरी वगैरह सब है तो, और सुविधा भी है, तो मैंने बस यहाँ के लोगों के लिए सोचा कि यहाँ नया शहर है, यहाँ के स्टूडेंट्स को भी सुविधा मिलना चाहिए। मेरी ओर से भी आपको बहुत बहुत मुबारक और धन्यवाद जी। बहुत गोत्र हमने ये कहा कि आप भी ननिहाल में हैं और मैं भी ननिहाल जी। चलिए हम लोग ननिहाल का उद्घाटन करते हैं। ओम प्रकाश जी, अभी अभी आप लोगों ने इस शहर में पुपरी में पुपरी लाइब्रेरी जो दिया है, इसका विचार आपके मन में कैसे आया? मेरा विचार यहाँ से आया कि जब हम पटना गए तो पटना में बहुत सारी सुविधा थी जी। हम सोचे जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना शहर में रह के 12 घंटा 4 घंटा पढ़ सकते हैं बिन रूम रेंट से, साइकिल से या मोटरसाइकिल से आके नाश्ता लेके आके यहाँ पर पढ़ सकता है, अपना शिफ्ट चला दीजिए। इस वजह से यहाँ पे किस तरीके की सुविधाएँ हैं
क्या क्या बच्चे को पढ़ने को मिल सकता है यहाँ पे? यहाँ पर फुल एसी रहेगा, कूलिंग, वाईफाई फुल रहेगा, सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है, और बुक रखने के लिए लॉकर बनाया गया है और लाइट, पर्सनल लाइट दिया गया है। इसके लिए कोई चार्ज भी आप लेंगे? चार्ज अपना फी स्ट्रक्चर के हिसाब से है जी, बहुत मिनिमम चार्ज, बहुत मिनिमम चार्ज रखे हुए हैं सुविधानुसार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिफ्ट बाई शिफ्ट चार्ज है, शिफ्ट बाई शिफ्ट चार्ज है, जैसे 12 घंटा का है 1000, 16 घंटा का है 1200, इसी हिसाब से अपन शिफ्ट बाई शिफ्ट है। ये कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा? सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक चलेगा। और स्टूडेंट अगर स्टूडेंट डिमांड करे तो हम 24 आवर्स चलाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। घर कहाँ हुआ? मेरा घर डोरपुर। पुपरी में जो पुपरी लाइब्रेरी जहाँ अभी आप स्टडी कर रही हैं, इसका कल ही उद्घाटन हुआ है, कैसा लग रहा है आपको ये? अच्छा फील हो रहा है, कंफर्टेबल फील हो रहा है, और यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ भी है जो हर एक स्टूडेंट को जो मतलब ज़रूरत होती है सही से पढ़ाई करने के लिए। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, लाइट, चार्जिंग पॉइंट, एसी, वाईफाई, एवरीथिंग इज हियर। अच्छा, इससे पहले आप कहाँ पढ़ाई कर रहे थे? इससे पहले मैं मुजफ्फरपुर से बीएड करा है मैंने। अच्छा, बीएड किया आपने, जी बताइए। हाँ बिल्कुल, पटना मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में जो भी सुविधाएं लाइब्रेरी में उपलब्ध होती है सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। मैं यहाँ पे पुपरी में सभी से कहना चाहूँगी कि आप अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए प्लीज़ लाइब्रेरी ज्वाइन करें, एक बार आप आके विजिट करें, एक बार आप यहाँ पे एक दिन पढ़कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि अकेले में पढ़ाई करना, फोकस, कंसंट्रेशन क्या होता है आपके स्टडी के लिए। माइंड का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़रूरी है, और वो आपको शांति, पीस सब लाइब्रेरी में आपको मिलेगा। ग्राहक मित्रों, अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए होंडा के अपने शोरूम सोनार होंडा में, और ले जाइए अपने घर होंडा के कोई भी मनपसंद बाइक और स्कूटर आसान फाइनेंस सुविधा के साथ न्यूनतम डाउन पेमेंट पर। जी हाँ, सोनार होंडा अपने क्षेत्र पुपरी का पुराना बाइक शोरूम, पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। ग्राहक मित्रों, आप हमारा पता नोट करें, सोनार होंडा अथोराइज डीलर नियर अलाहाबाद बैंक पुपड़ी। इतिहास में अब है किसान।